इंदौर भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं में किस तरह से ऊर्जा बनी रहे इसके लिए वे हमेशा प्रयास में जुटे रहते हैं और इसी क्रम में आज इंदौर भाजपा की ग्रामीण इकाई ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का पर्व एक साथ मनाया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भाजपा निष्ठ डॉक्टर राजेश सोनकर। इंदौर भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं राजेश सोनकर। कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का किया काम, एक साथ मनाया रक्षाबंधन जन्माष्टमी पर्व। इंदौर भाजपा की ग्रामीण इकाई द्वारा आज जन्माष्टमी पर्व मन मंदिर गार्डन राव में मनाया गया। इस अवसर पर महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, महामंत्री सुनील तिवारी, चिंटू वर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर, वरुण पाल सहित जिला पदाधिकारियों को राखी बांधी। वहीं महिलाओं ने चेयर रेस और मटकी फोड़ भी खेला। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने कहा कि लगातार काम करते रहने के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह के आयोजन से काफी ऊर्जा मिलती है। आज ही के दिन इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग एक वर्ष तक अनेकों संगठनात्मक कार्यक्रम हम सब ने किया, जिसमें नए नए आयाम भारतीय जनता पार्टी ने छुए। समर्पण निधि का भी एक बड़ा काम, उसके साथ में संगठनात्मक कार्यक्रम और अनेकों कार्यक्रम जो भी हमको सोनकर ने दिया, हम सब को पूरा किया। और शताब्दी वर्ष पूरा होते होते चुनाव भी हमारे बीच में आए, चुनाव में भी हम सब लोगों ने परिश्रम करके जीत हासिल की। इसलिए ऐसा विचार आया कि क्यों ना जन्म शताब्दी वर्ष भी बन जाएगा, जन्माष्टमी का पर्व भी बन जाएगा, चुनाव में हम सब जीते हैं तो चुनाव की जीतियों की खुशी भी एक दूसरे से मिलकर हम सब बांट लेंगे। इसलिए आज का इस कार्यक्रम में गेट टूगेदर के लिए कि हम सब परिवार भाव के साथ मिलकर यहाँ मनाएं, क्योंकि संगठन के जितने कार्यक्रम आते हैं वो सब कार्यक्रम तो हम लोग पूरी गंभीरता के साथ में करते हैं, उसकी अपनी एक व्यस्तता होती है, उस समय इतने फ्री मूड से अपन लोग नहीं बैठ पाते हैं। जिला भाजपा के इस आयोजन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सुंदर नजारा पेश किया, जब वे एक परिवार की तरह एक साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।